I've fallen in love with I Love. I love you. Del bole, wow. माता पिता और गुरु से जहां स्नेह मिलता है वहीं डांट भी तो मिलती है, तो बच्चों को एक ऐसा रूप चाहिए जो उन्हीं की तरह शरारतें करता हो और उन्हीं की तरह हठ करता हो और जिस पर उन्हीं की तरह डांट भी पड़ती हो। तो ये लीलाएं बच्चों के लिए हैं और उन बच्चों के लिए भी जो अपनी सोच में बूढ़े हो जाने के बाद भी भोले भाले बच्चे ही हैं। इसीलिए इन लीलाओं का रंग और रस कृष्ण के जीवन के दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग है, परंतु इन लीलाओं से बच्चों को ये संदेशा भी मिला कि बच्चों का काम केवल शरारत करना नहीं है, अपने प्राकृतिक वातावरण और अपने चारों ओर के प्राकृतिक अंशों की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। ये सृष्टि और व्यक्ति के संबंधों का पाठ है। राक्षस जब तक हमारे वनों हमारी बस्तियों को नष्ट करते दिखाई देते रहेंगे तब तक मनुष्य के लिए ये आवश्यक होगा कि वो बच्चों को श्री कृष्ण के बचपन की ये गाथा सुनाता रहे। दो राक्षस नंदगांव को जलाकर भस्म कर रहे हैं। क्या अरे भैया, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये दोनों छोरे कौन सी माटी के बने हैं। ऐसा मारा कि दोनों असुरों को ढेर कर दिया। अच्छा? ऐसे झपके कि हम तो दंग रह गए। ये सब देवों के राजा देवेंद्र इंद्र की कृपा से हुआ है, हमें उनकी पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अरे सुनो, यशोदा से कहो उनकी पूजा की तैयारी आरंभ करे, मैं अभी आया। आप लोग भी जाकर पूजा की तैयारियां कीजिए। हाँ हाँ चलो, हाँ, हाँ, चलो, हाँ, चलो, हाँ, चलो, चलो। ये सब क्या हो रहा है मैया? पूजा। कभी बाबा से भी पूछ लिया करो काना। बाबा से काहे पूछ लिया करे? मेरा लल्ला तो बस मुझसे ही पूछेगा। और सुन लो जी ठीक से, मेरे लल्ला और मेरे बीच कभी मत आना, मैं कह देती हूँ। हाँ जा लल्ला, छीके पर से माखन उतार कर खा ले। पर पहले ये तो बतलाओ कि ये सब क्या हो रहा है? ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए है मोहन। पर इंद्र की पूजा किस लिए कर रही हो मैया? अरे ऐसा नहीं कहते लल्ला, देवराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है। मैया हम भयानक की पूजा क्यों करें? क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है। ये कैसा भगवान है मैया कि पूजा ना करो तो क्रोधित हो जाए? पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना मैया,
परंतु पूजा करवाना तो भगवान का कर्म नहीं हो सकता। अजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, समझाओ इसे। तुम ही समझाओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे काना के बीच में क्यों आऊं? वैसे ये बात तो मन लगती कर रहा है। आप पिता हैं पिता, बेटे को समझा नहीं सकते तो ना समझाओ, पर भड़काओ तो मती। तुम्हारे कान्हा को कोई नहीं भड़का सकता यशोदा। दूसरे लड़के तो केवल गईयें चराते हैं, ये तो सारे नंदगांव को चराता रहता है। बस मैंने कह दिया ना कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। ये पूजा तो पुरखों के दिनों से होती चली आ रही है लल्ला, पूजा बिना तो जीवन ही नहीं। हाँ, जो पूजने योग्य हो उसी की पूजा करो मैया। और पूजने योग्य कौन है लल्ला? हम तो ग्वाले हैं ना बाबा, हमारा जीवन तो गौ से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारे लिए पूजनीय है गौ। वो हमें पीने के लिए दूध और खाने के लिए माखन देती है, तो फिर गौ को पूजो मैया। और गौ का जीवन वनों के बिना संभव नहीं है, वन न होंगे तो गैया चरेंगी कहाँ। तो उन वनों की पूजा करो मैया, जो वन न होंगे तो गैया भी ना होंगी। और यमुना की पूजा करो, जो हमारे वृक्षों को अपना अमृत पिलाती है। और पर्वतों की पूजा करो मैया, जो जाते हुए मेघों को रोककर वर्षा करवाते हैं और जिनके कारण हमारे वन हरे भरे रहते हैं। इन्हें पूजो मैया, बस यही पूजने योग्य है। और हमारे पूजने योग्य है हमारे गोवर्धन पर्वत। और इंद्र के क्रोध से मटरो मैया, क्योंकि जो पूजनीय होता है वो क्रोध नहीं करता। जैसे तुम मेरे लिए पूजनीय हो और कभी क्रोध नहीं करती। ऐसा मत बोल लल्ला, उनका क्रोध गाज गिराएगा, उनके हाथ में वज्र होता है, उनसे डरो लल्ला। मैं तो नहीं डरता मैया।
राज मोर मुकुट धर वेणु धर गिरधर बन गए आज गिरधर बन गए आज क्षमा मांग ली इंद्र ने मांगा यह वरदान नारायण रखिए सदा नर अर्जुन का ध्यान नर अर्जुन का ध्यान